मैया मेरी सरस्वती में सुमिरत ही कोई, लाज रखो संकट हरो मान गो भरो सोमो। गुरु चंदन में नीवरी गुरु सागर में कीच, जहाँ गुरु के चरण हैं सुबही हमारो सी। गौर देव नाम लल हम जिनका सर्व मंगल धाम है, उन पूज गुरु प्रवेश को मेरा कोटिम कोट प्रणाम है। गुरु जी प्यारे चरण की मैंने रज मस्तक लई धार, नाव पड़ी मझधार में गुरु खेल गयो पार। तो सब आइए गौर करते हैं भगवान के चरणों में, उसके बाद नीव कहानी की ओर देखेंगे। स्टार कंपनी से तो एक भक्त खड़ा है और भगवान से विनती करता है, राखो सभा में मेरो मन यशोदा के जैया, राखो सभा में मेरो मन यशोदा को जैया। यशोदा को छैया, समो करी गाँव खो बसैया यशोदा।
आइए गौर करते हैं स्टार कंपनी के प्रबल सौजन से परम पूजनीय गुरुदेव प्रवेश कुमार शास्त्री का परम शिष्य हूँ। अपने हाथों से लिखी हुई कहानी आप लोगों के बीच में दर्शाने के लिए जा रहे हैं। हमारे जो बाबा जी से हमें जो प्रेरणा मिली तो हम तुम्हें वो कहानी बताने के लिए जा रहे हैं कि एक राजा ने मंत्री को बुलाया और ये कहा इधर आइए। हमने कहा कि इधर आओ, मंत्री को पास बुलवाओ, बैठा लो। लेकिन हम ये कहानी इसलिए निकालने के लिए जा रहे हैं, रिकॉर्ड करा रहे हैं कि देखा जाता है कि कोई प्रश्न लेके आता है, कोई उत्तर लेके आता है, तो ये फिजूल की बातों को छोड़ करके खुद प्रश्न करो और खुद उत्तर दो तो हमारे समाज में कुछ नया संदेश जाए, इधर उधर की बातें ना करते हुए। और हमने तो एकाध क्लब में बोला भी है तो हमने आज तक ऐसी बातें नहीं की हैं। जैसे हमारे गुरुदेव का हुक्म मिला हम दर्शाने के लिए जा रहे हैं। एक दिन एक राजा ने ऐसा किया, मंत्री को बुला करके और कहा धर्म के साथ बताई रहे हैं और बीच सभा में महाराज की गाथा गाए रहे हैं। अला सोनो, एक दिन बार राजा ने ऐसो घरो लला मंत्री बुलवाओ और मंत्री बुलवाने के बाद एक बात कही, मोदी और सत्य बतलाई कहीं समझाई रहे बैठारी। मंत्री बुलाओ बुलाई गिराई चारी, मंत्री को बुलवाओ और जे कही कोई तीजे में बताई है मेरा मंत्री को बुलवाए के एक बात कही कि देखो हम काफी दिन से ये सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि हमारे कोई प्रश्नों का उत्तर दे। तो मंत्री ने दोनों हाथ जोड़े और ये कहा महाराज क्या पूछना चाहते हो, क्या तुम्हारा सवाल है? तो मंत्री अपनी कह रहे हैं और राजा अपनी कह रहे हैं और राजा कहने लगे मंत्री मोई बहुत दिन आ गए बीत तुमसे कछु पूछ नहीं पाई, मोई बहुत दिन आ गए बीत तुमसे कछु पूछ नहीं पाई। हला छोटो से एक सवाल मंत्री दीदे हमें बताई, महाराज मंत्री से साफ कहिए समझाई। छोटो से एक सवाल के मंत्री दीदे हमें बताई, कोई हाथ जोड़ के मंत्री फिर राजा से बोलो है, कोई हाथ
महाराज क्या सवाल है आपका और क्या पूछना चाहते हो, आखिरकार कहना क्या चाहते हो। तो राजा ने ये कहा कि काफी दिन से हम एक बात दिमाग में सोच रहे हैं और ये सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं? अरे मोको दीजे सच बताई, फिर राजा ने अर्ज सुनाई। मंत्री को पास बैठा करके ये कहा, कभी दिन से ये सोच रहे हैं और ये हमारी बुद्धि में एक बात गूंज रही है, लेकिन एक छोटो सो सवाल हम आओ दोनों हमें बताओ। छोटो सो एक सवाल मंत्री और मोई दियो बतलाई। सुनील राजा ने किन से कही? मंत्री से। हमारे तुम मंत्री हो, आखिरकार हम देखना चाहते हैं हमारे मंत्री में बुद्धि कितनी है, हमारा मंत्री भला कितना तेज है। तो ये राजा ने सोचा और फिर मंत्री से कही, ईश्वर से छोटी सबसे बड़ी क्या चीज देव बताई। तो मंत्री बोला, महाराज अभी नहीं, कोई संत मेरे आपका प्रश्न का उत्तर देना है, कोई कल सवेरे आपके प्रश्न का ही उत्तर देना है। अभी तो खैर नहीं, हम कल जरूर। उसी समय तो मंत्री तो घर चला गया। घर जाने लगा, मन में एक ही बात सोच रहे हैं, विचार कर रहे, भगवान ना जाने क्या होगा। और ईश्वर से छोटी सब सची जगह हमें समझ न आए। विचार कर रहा है, सोच रहा है, भगवान ना जाने क्या होगा मेरे जीवन में। राजा ने ऐसी बात पूछी है, ये तो मेरे दिमाग में नहीं है। पूछी कौन सी बात लला? ईश्वर से छोटी और सबसे बड़ी समोला जी, चीज कौन सी है?
और मंत्री शीघ्र ही घर के लिए चला। बने का ठाणे में ठचन है, ना जाने भगवान ऐसी कौन सी चीज है। राजा ने क्या पूछा कि ईश्वर से छोटी और सबसे बड़ी चीज क्या है। लेकिन विचार सोच रहा है अरे मंत्री दिल में दुखी न पलगी देर लगाई है, न पलगी देर लगाई है, और दिल में बड़े विचार के घर की जीत दबाई है। बड़ा परेशान है, विचार कर रहा है ना भगवान जाने, सोचिए दिल में भारी है, गुस्सा हो भी महाराज पली गई थी बर्बादी है। सोचिए दिल में भारी है रे, सोचिए दिल में भारी है, गुस्सा हो भी महाराज पली गई थी बर्बादी है। विचार कर रहा है, अरमानों में खो रहा है, चीज का से बतलाऊंगा, ईश्वर से छोटी सबसे बड़ी क्या चीज बताऊंगा। सुनील विचार कर रहा है, भाग खड़ा हुआ, कर्म जब आ गए धारो है रे, कदम जब और गड्ढा खोदत एक कुमार जान नैन निहारो है। कदम जब आगे थारो है, गड्ढा खोदत एक कुमार जान नजर निहारो है। कई खोलब खोला वाली रे, कई खोलब खोला और सुन की बात बरा जागी ना पिया तो भूप पानी। देर नहीं लगाई अब मंत्री चल पड़ा घर के लिए। विचार कर रहा है भगवान ना जाने कल की हमने कह दिया है, और कल जब महाराज पूछेंगे तो क्या जवाब दूंगा, क्या बोलूंगा। तो क्या देखा, दूर जाकर के एक लड़का गड्ढा खोद रहा है। लड़का ने देख लिया, अरे मंत्री कुमार ने दर्द निहारो है, अरे अब देखो मंत्री को भी करो इशारो है। चटानी का पानी पी जाइयो रे, चटानी का पानी पी जाइयो, और चेहरा है गमगीन हाल दिल को बतलाई जाइयो। इधर क्या देखा है, एक लड़का गड्ढा खोद रहा है, और वो लड़का गड्ढा खोद रहा है तो लड़का ने कहा चाचा इधर आइए। अरे भाई उदास कैसे हो। मंत्री रोने लगा और कहने लगा, बेटा क्या बताएं, ऐसा ही नहीं रो करके। और वो मंत्री कहने लगा,
नैनन भरी गीर मंत्री ने रोई के गई ती सवाल कर दिया और सवाल ये कर दिया, दरबार जो कहा था वो हमसे पूछ बैठे हैं कि सबसे बड़ी और ईश्वर से छोटी ऐसी क्या चीज है। समझ में नहीं आ रहा भगवान, इलकी सी भर गई मंत्री ने दिल की कही थी कहानी रे, सुन के सारी बात ललानी कही सुना मेरी बानी रे। कहने लगा बेटा जब से हमें राजा ने पूछा है तब से वाला चाहे नहीं है, करें तो करें क्या। बोलो उस लड़का कहने लगा चाचा बस इतनी सी बात, अरे घबरा क्यों रहे हो, सुबह जाना और जाना, लेकिन एक बात का ध्यान रखना बबलू भैया। कौन सी बात को? तो मंत्री बोल से वो लड़का समझा करके बोला चाचा अरे नहीं बल्कि देर लग गई, कल सवेरी सभा कहाँ जइयो, सभा जलत लग भैया और राजा को वचन सुनैया। जवाब दिया है चले जाओ, अरे चले जाओ और ये कहना कल सुबह जब जाओ और राजा
फिर सवाल करेंगे तो राजा से केवल साफ शब्दों में ये कह देना, महाराज मालूम है क्या कहना है? जवाब दिया तो बोलो है बेटा की मंत्री से मेरे चाचा कोई सुना बात चित लाई दी लला सोनू मंत्री साहब को बोलो मालूम है मैं? ओ लड़का बोलो सवेरे तुम जाओ तो नील ध्यान रखियो पूछ बात जो ईश्वर से छोटी और सबसे बड़ी चीज का है तो केवल हम तुम्हें बता रहे भाई कह दियो ठीक है। हमने कहा कही कहा ध्यान है तुम आओ ईश्वर से छोटी चीज वो चाचा वो अब ध्यान लगा के सुनो प्रश्न की ओ है तुम भूपानी मेरे चाचा तुम अकल दियो समझाई दी आ? लड़का साफ शब्दों में कहने लगा है चाचा अगर राजा ने तुमसे प्रश्न किया है ना अरे किया है ना तो तुम जाओ और अगर राजा कहे कि ईश्वर से छोटी और सबसे बड़ी चीज क्या है तो तुम ये कह देना अकल है। मैंने कहा कही लला अकल है या ना है? अकल ईश्वर से छोटी है और सबसे बड़ी है। भक्तो ये कहा तो वो मंत्री बड़ा खुश हुआ है और खुश होने के बाद अरे खुश भगती छाई गई तन में तो हमारी लाज बचा ली ठीक है। सुबह हुआ और सुबह जब राजा के पास गया और मंत्री ने जाकर के प्रणाम किया महाराज की जय हो महाराज की जय हो। आ गए आओ हमें आपका इंतजार था। अरे वो भाई कल हमने जो पूछा था वो याद है आपको? बोले याद है। तुमने कल पूछा था वो हमें याद है। हाँ तो बताओ कल हमने जो पूछा था वो हमें बताओ। और जब ये बात सुनी तो वो मंत्री अरे शीश झुकाए की गई अरज भरन समझाई है रे अरज भरन समझाई है
ईश्वर से छोटी सबसे बड़ी ले अकल बताई है। साथ साथ हमारे गायक कलाकारों से भाइयों से समाज के जितने भी हमारे दर्शक लोग हैं सुनने वाले हैं उन सबसे निवेदन करेंगे कि प्रश्न और उत्तर की जो हम ये कहानी लेके चल रहे हैं मंत्री और राजा का संवाद, भाई गायकों से ये कहेंगे कि इस तरह की कथा निकालो जो हमारे समाज में कुछ नया संदेश आए। इस तरह से मन लेके आओ, कोई सच कहता है उसकी भी नहीं मानते हो, भाई ये छोड़ो। लेकिन ईश्वर से छोटी सबसे बड़ी चीज अकल है, ये मंत्री ने राजा से कहा। मानोगी महाराज? राजा बोला ठीक है, अरे भाई मैं तो धन हो गया, हमारा जैसा मंत्री किसी का नहीं है। खुशी राजा ने मनाई है रे, खुशी राजा ने मनाई है, मेरो जैसो मंत्री भाई दुनिया में नाई है। बादीबा, अरे भाई हमारा जैसा मंत्री दुनिया भर में नहीं है। तन जन अधिक लुटायो है, सुन की बाकी बात भूप फिर दिल हर्षायो है। पास मंत्री बैठायो है रे, पास मंत्री बैठायो है, फिर वचन सुनायो है। पास में बैठा लिया और मंत्री से कहा बहुत बहुत बढ़िया। अच्छा आप ये बताओ, ठीक है अकल है, भगवान से छोटी अकल है और सबसे बड़ी अकल है मानते हैं, लेकिन ये बताओ ये पीती क्या है, क्या खाती है? सोनू बात है। अब जो ये फिर से कही, अब मंत्री फिर चक्कर में, अब उन्हें मालूम हुआ तब बताओ, फिर चुपचाप बोले महाराज तुमने हमसे पूछा था कि भगवान से छोटी और सबसे बड़ी तो मैंने अकल बताई है ना, बताई है ना? हाँ बताई है। तो सुनो, कि दिल की मेरी बात दिल से कह कल सवेरे इस उत्तर को
मन की जो बात भूप से मन की जो है बात भूप से कह दई दिल की जो या बात आप से कह दई जो कुछ बीती बात आपको कह समझा करके बात मंत्री ने कह गई समझा दिल की जो अब बात आपसे कह गई बीती हुई दो दिया है महाराज। मैंने तुम्हें पहले बता दिया ईश्वर से छोटी और सबसे बड़ी चीज अकल है और तुम ये पूछ रहे हो अकल है मानते हो लेकिन आपने पूछा ये खाती क्या है तो अब हम तुम्हें बताते हैं। कल सुबह तक अब वो इला अब उन्हें मालूम तो अति है ना। अब वे बांस चले भीजे से कान डाल के अब चल करने लगे भगवान ना जाने उस लड़का को भी नहीं मालूम हुआ तो मेरा क्या होगा। तो करके बज रही न देर लगाई जो राजा की बात अब रही सताई जवाब दिया उस लड़के से जाकर के बेटा तुमने अकल बताई और राजा ने सवाल फिर कर दिया कि ये खाती क्या है। भाई से तरी सी बात फिर घबराए घबराओ नहीं हमारे पास बैठो खाती क्या है तो हम तुम्हें बता रहे हैं तो न घबराओ नहीं। राजा ने अगर पूछा है कि खाती क्या है तो तुम जाओ और राजा से ये कहना जोड़ के दोनों हाथ भूप को दीजे अर्जी सुनाई क्या खाती है अकल बबलू भैया मैं रहे तुम्हें Thank you.
कोई हाथ पकड़ के मंत्री को बेटा समझाता है, कोई हाथ पकड़ के मंत्री को लाला समझाता है, कोई हाथ पकड़ के मंत्री को लाला समझाता है। बेटा समझाता है, क्लर्क लाला समझाता है, कोई हाथ पकड़ के मंत्री को बेटा समझाता है। चले जाओ, और अगर राजा पूछे ये खाता खाती क्या है तो कह देना ये खाती है चुप। क्या? हाँ, खाती ये गम है, खाती नहीं, खाती ये गम है, अकल गम को खा जाती है सोनू। अब उनके फिर चिंता तो कट गई, क्यों? ईश्वर से छोटी सबसे बड़ी अकल और खाती क्या है? खाती ये गम है। अब वे फिर पहुंचे, अरे मैं बल की देर लगाई तो राजा को सीध झुकाई, फिर राजा को बात बताई, मेरी बात सुना चितलाई, बोला देवी तुम्हार सवाल बताई, गम खाए की मानी भूख बुझाई, भैया बबलू खाती क्या है? कल गम खाती है ना। और जो जी राजा ने सुनी बाजी बा, अरे भाई आनंद आ गया, हमारे जैसा राजा विचार करने लगा, हमारे जैसा मंत्री नहीं है। तो राजा बोला अब ना छुपाऊंगा, सबको बताऊंगा, होशियार है मंत्री मेरा, ऐलान कराऊंगा। कहने लगा बहुत प्रसन्न हुआ, अरे भाई तुमने जो बताया बहुत अच्छा बताया। अब ये बताओ, ईश्वर से छोटी और सबसे बड़ी अकल बताई है ना, हाँ हाँ, और खाती गम है, लेकिन ये बताओ पीती क्या है? तो मंत्री फिर भाग खड़ा हुआ और मंत्री बोला महाराज इस बात को भी हम सुबह बताएंगे, हमें आज का, अरे कोई नहीं कोई नहीं भाई, कल तक नहीं, दो दिन और ले लो, चले जाओ। अब मंत्री जो रहे तो बबलू भैया वहीं पहुंच जाता है, कहाँ
जैसे शराब ही ठेगा वे पंजा दुखा है ना। अब वे बही पहुंचे और वह पहुंचने के बाद लड़का से फिर कहा, बेटा तुमने जैसे बताया और हमने उन्हें बता दिया, लेकिन उन्होंने फिर सवाल किया ये पीती क्या है, है? हमने कहा कि लड़का बोलो घबराओ नहीं, तुम जाकर के राजा से और एक बात कहना। क्या? कती जो शीश झुकाई रे, सुना चाचा चित लाई रे, क्या पीती है उन्हें बताना, सुना बात चित लाई रे, जवाब दो। हम तुम्हें बताएं क्या खाती क्या पीती अकल वो, थोड़ी बात बताना है, जाकर के महाराजा को तुम जाकर शीश झुकाना है, रहे तुम्हें समझाए रे, सुनो रहे बतलाए रे, प्रवेश यादव गुरु हमारे में, उनको शीश झुकाए रे। ये सब कृपा हमारे गुरुदेवता की है, ये अपने हाथों से लिखी हुई कहानी आप लोगों के बीच हम लेके चल रहे हैं। तो लड़का बोला, अकल खाती अब कम काजा, चुप को पीती जाती है, कितनी भवक है काउबेरी की, शीतल है जाई छाती है, क्या खाती है गम पीती क्या है चुप, कितना भी कोई क्रोध में आए और तुम चुपचाप बने रहो तो शीतल छाती हो जाती है। हमने कहा कहीं जाकर के, अरे क्या खाती है अकल चचाबो, गम है भूख बताती है, कितनी शीतल हो बेरी की, शीतल है जाए खाती है, रहे तुम्हें समझाए रे, सुनो अजय चित लाए रे, जल्दी जाओ चचा हमारे, दीदे बात बताए रे। ये कहा कि जाकर के कह देना कि ये अकल चुप पीती है, चाहे कितना भी कोई क्रोध में हो अगर तुम चुपचाप हो जाओ तो वो कुछ कहेगा नहीं। मंत्री फिर भागा और राजा से फिर कहा, महाराज ये पीती चुप है। राजा बहुत खुश हुआ, मेरा जैसा मंत्री नहीं है। राजा ने फिर आखिरी सवाल कर दिया,
तो नहीं ले। आखिरी कौन सा सवाल कर दिया, आखिरी सवाल कर दिया कि भाई ये चलो खाती गमे है पीती चुप है, इसका रंग कैसा है। अब मंत्री बड़ो चक्कर में, तो मंत्री फिर सोचन लगो दिल में एक बात, आज पूछी प्रसन्न राजा मेरी समझ न आवे बात। प्रश्न पूछ रहे हैं, बेटा ना मेरो हो तो फंसते बीच मझधार, तूने राजा की बात को फिर मंत्री बड़ो अगार। राजा की बात सुनने के बाद मंत्री फिर भाई भागो कहाँ, हाँ भाई लड़े कहाँ से, और फिर कही लला अरे रोई रोई के राजा सुनाई, से जाकर के कहा मेरे लाल आखिरी सवाल पूछा है कि इसका रंग का, अब लड़का जो रहे सुबह लला नौ हाथ ऊंचे उलीगा चाचा ये तो हम खुद बताएंगे है? ये हम खुद बताएंगे जाकर के तुम चाहो। मंत्री कहने लगा बेटा अगर तुम बताओगे तो मेरा क्या होगा, अरे घबराओ नहीं, अरे तुम जाकर के कह देना राजा तुम इतने प्रश्न कर रहे हो, ऐसे छोटे मोटे प्रश्न तो हमारे बच्चे दे दिया करते हैं, अब चले जाओ। भली बात समझाई के मंत्री दे लौटाई, कल सबेरी राजमी में देंगे उन्हें बताई, जे कही तुम लौट जाओ। भस्वे को वक्त ही बेचलवे को तैयार, मंत्री फिर कहने लगा गजलती आई है लाल। मंत्री चलते समय और ये कहा कि मेरे लाल जल्दी आना, भूल मन जाना, भूल मत दइए बेटा रे गजलती दौड़ के आई है।
आपसे बोला था ना। मंत्री कहने लगा, घबरा क्यों रहे हो भाई, जरा जरा सी बात तो ये हमारे घर के बच्चे बता दिया करते हैं, क्यों चिंता कर रहे हो। मंत्री, बच्चे? बोले हाँ। घबरा मत, अरे जो कुछ कल की बात, अरे बेटा कोई अभे बुलाए है, बता दिया करते हैं। इंतजार किया तो उस लड़का आ गया, आइए आइए। हाँ बेटा, ये बताओ आप हमारे प्रश्नों का उत्तर दोगे? जी हजू, बोलिए। अच्छा, हमने ये पूछा था तुम्हारे चाचा को कि ये अकल का रंग कैसा होता है, तो वो लड़का ने दोनों हाथ जोड़े, बोलू भैया और एक बात कही। महाराज, बुरा ना लगे तो एक बात कहूं? बोलो बोलो। अरे भाई, काय का बुरा लगेगा, बोलो। तो राजा, बोलो आप, बोलो, हमें कोई बात बुरी नहीं लगेगी। तो लड़का बोला, महाराज अरे हाथ जोड़ के कही बात फौरन समझाई रे पानी, फौरन समझाई नीचिया महाराज कथा दी तुमको बतलाई, दोनों लड़का कहने लगा, महाराज नीचे उतर के आओ तब हम बताएंगे। क्या कई लड़का ने, प्रभु माफ करना भाई, पैर का दबा हुआ तिनका, भला मेरी औकात नहीं है, लेकिन आपने रंग पूछा है अकल का, तो आप नीचे उतर के आ। राजा बहुत जल्दी उतरा, बोले हमें बताओ। तो लड़का कहने लगा, महाराज ये जो सर के ऊपर मुकुट है ना, हमने कहा कही मुकुट है ना, इसे उतारो। राजा ने अपना मुकुट दे दिया। अब लड़का जो सीख रही बबलू भैया जाके राजा की गद्दी पर बैठेगो। अब राजा की गद्दी पे जब बैठेगो, अब बार राजा की गद्दी पे जाएगी बैठ के, बने सब जनता से कही अब जहां को राजा को है। प्रजा बोली, आप ही महाराज हो, हम महाराज हैं तो एक हमारा आदेश है। अरे नहीं पलकी देर लगाई जूता राजा में लगा भैया,
रंग गिनैयो भक्तो। आखिरकार अकल का रंग ये होता है, तो हम ये कहानी माफ करना, इस तरह की चीजें लाओ। अकल हमारे परम सम्मानी गुरुदेवता ने एक चीज गाई थी, है ना, अकल बड़ी के भैंस बड़ी। तो सबसे बड़ी अकल है लेकिन ईश्वर से छोटी है, क्योंकि ईश्वर की देन है। तो सबसे विनती है हाथ जोड़ के विनती मेरी, मानसी को हमारी और युद्ध की बातें छोड़ो, करो कथा तैयारी। हमने तो यहाँ तक सुना है, देखा है भोलू भैया। कुछ कुछ लोग ये घमंड में कह जाते हैं, माफ करना मैं घमंड नहीं करता, लेकिन हमने एक दो चीज नहीं सीखी। या तो हम हारते नहीं है, या तो हम सीखते हैं, या हम जीतते हैं। अरे जीत किसकी होती है भाई, क्या दिमाग है तुम्हारा। हाथ जोड़ की विनती मेरी, तुम रहे समझाई। वैसे कहना नहीं चाहूंगा, हाथ जोड़ के विनती मेरी, तुम्हें रे समझाई। और ऐसे लड़ते हो आपस में, काहे करो लड़ाई। सुनील भैया नगला भट्ट को ढोलक रहे बजाई। ए सोनू बेटा ग्राम डाला के चिमटा रहे धनकाई। बबलू शास्त्री खासी हमारे रहे मंद मसकियाई। ए सुंदर सूरत है भैया की, मुझे कही बात नहीं जाई। मोनेन्द्र यादव मेरो भैया, भैया को जाओ छैया। सुंदर सूरत बेटा की जद देखे कुमार कन्हैया। तब से हाथ जोड़ करके मेरी राम राम ले लीजे, गलती पे खासी समोखरी गाम। बोल राम 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 साल। देर कमेंट कर दीजे, मेरी कथा राम राम राम।